इस वक्त की आजमगढ़ से बड़ी खबर बता दें कि बुढ़मपुर तहसील क्षेत्र में महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला ने इसकी शिकायत थाने पर दिया, उसके बाद डीजीएस न्यूज 24 के संवाददाता संतोष मिश्रा से मिलकर आपबीती बताई। बताया कि दबंगों का इतना कहर कि घर में घुसकर छेड़खानी किए और लाठी डंडों से मार किए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आजमगढ़ के बुढ़मपुर तहसील से यह घटना सामने आई है और इस समय हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा जी वहाँ जुड़ चुके हैं। संतोष जी बताइएगा वहाँ की क्या स्थिति है। सर, अतरौलिया थाना क्षेत्र के पूरा गांव की घटना है जी, जी। एक पीड़ित महिला आरोप लगा रही है कि गांव के दबंगों द्वारा कुछ मामूली विवाद में जी। और घर में घुसकर मारा पीटा गया जी। और मना करने के बाद लड़के को भी मारा पीटा गया। महिला जो है थाना अतरौलिया में तहरीर भी है जी। और एक हफ्ता बीत जाने के बाद अतरौलिया पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये मामला क्या है और क्यों मारा पीटा गया? मामूली विवाद था, टाली की माटी जा रही थी और उनके मंडई में महिला के लग गई और उसी का विरोध करने पर गांव के दबंगों द्वारा जो है इनके घर में घुसकर इनका आरोप है कि छेड़खानी की गई जी। और अतरौलिया थाने में तहरीर दी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने महिला अध्यक्ष पर भी शिकायत की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सामने से और क्या महिला के सामने से रास्ता है क्या? हाँ, महिला के सामने से रास्ता है। तो ठीक है, तो उसमें और उसमें सीओ का नाम है कि अभी मामले की जांच की जा रही। महेंद्र शुक्ला जी हैं, बता रहे हैं कि जांच की जा रही है, कार्रवाई जल्दी की जाएगी। ठीक। आपका शेखपुरा, क्या समस्या, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ है, हमारे घर में घस के हमारे साथ कान आके हमें बेइज्जत कही ना, हमारे लुगा बेलाव फरने चिरने, हमारे लड़का के मरबो कही ना, ऊपर से धमकी देना। थाने पे आप गई थी? हाँ गई थी। कोई कार्रवाई? कुछ नहीं सुनवाई हुआ, कुछ नहीं। हाँ, कौन सा थाना है? अतरौलिया। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं।